दिल्ली आंदोलन का आज रविवार यानी 25 फरवरी को 13वां दिन है। पंजाब के किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उन्होंने दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो घर वापस नहीं जाएंगे। आज किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर एक सम्मेलन करेंगे। उनके द्वारा देश भर में किसानों को जागरूक करने की योजना है। इसमें एक्सपर्ट्स आकर WTO के नुकसान बताएंगे। उधर हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर रोक हटा दी गई है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में 11 फरवरी की सुबह 6 बजे से इंटरनेट बंद था। इसके अलावा किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए 11 दिन से बंद दिल्ली के टिकरी और सिंधु बॉर्डर को अस्थायी तौर पर खोल दिया गया है। टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के लगाए कंटेनर और पत्थर हटाए गए हैं। हालांकि शुरुआती तौर पर साइड की सड़क खोली गई है। साथ ही झड़ौदा बॉर्डर को भी एक साइड से आवाजाही शुरू कर दी है। खनौरी बॉर्डर पर भटिंडा के युवा किसान शुभकरण का अब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। पंजाब सरकार ने उनके परिवार को 1 करोड़ मुआवजा और बहन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। किसान संगठन और परिवार की मांग है कि पंजाब पुलिस शुभकरण की मौत के मामले में FIR दर्ज करे। बता दें 13 फरवरी की सुबह 10 बजे फायरिंग शुरू हुई। पंजाब के किसान 12 फरवरी की शाम को ही शंभू बॉर्डर पर पहुंच गए। 13 फरवरी की सुबह उन्होंने हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, रबड़ की गोलियां चलाई। शंभू बॉर्डर की तरह खनौरी और डावली बॉर्डर में भी हालात नाजुक रहे। शंभू बॉर्डर पर झड़प के बाद प्रदर्शनकारी किसानों का आरोप था कि पुलिस ने उन पर SLR से सीधी फायरिंग की। इसके बाद खनौरी बॉर्डर पर किसान और पैरा मिलिट्री फोर्स के बीच झड़प हुई। यहां किसानों ने जवानों के हेलमेट और लाठियां छीन ली। 24 फरवरी को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर शाम को कैंडल मार्च निकाला गया। सरकार ने हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट का बैन बढ़ाया। वहीं आंदोलन में लापता किसान प्रीतपाल के रोहतक PGI में भर्ती होने की सूचना के बाद पंजाब के चीफ सेक्रेटरी अनुराग वर्मा ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा, जिसके बाद किसान को चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।